वेलकम टू माय चैनल। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुबह के बज गए हैं 6:30 और मॉर्निंग हो गई है तो नीचे से दूध आ गया है निकल के। आज मैं बनाने वाली हूँ मूली की भुजिया और ये मैंने तैयार किया है ग्रेवी और ये है मूली। ये मैंने रात को ही सीटी लगवा दी थी। इसमें ये है मेथी का पानी जो कि मैं रात को भिगो के रखती हूँ एक गिलास और उबलने के बाद फिर ये आधा कप बच जाता है तो ये मम्मी पिताजी को देती हूँ मैं दोनों को। और मम्मी बना रही है गाजर का हलवा और हमारी लैंग्वेज में गाजर पाक। अब मेरे को ये कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि किस किस को गाजर पाक पसंद है और किसे चाहिए, मैं जरूर भिजवाऊंगी उसके घर। अब ये देखो ये हश्विका सारे कपड़े ट्राई कर रही है। माँ जी ये भी मुझे अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, मैं ये पहनूंगी, मैं वो पहनूंगी। मम्मी सर्दियों के कपड़े निकाल रही है, ये जो सारे तो नहीं निकाले थे, कुछ निकाल लिए थे पहले। अब वैन आ गई लड्डू आपके। ना ना वैन की चिंता को नहीं है, कपड़े काट दिए उसके रखे। और ये आज हम अपने कमरे की सेटिंग चेंज करने वाले हैं। यहाँ से अलमारी निकाल के इधर शिफ्ट कर दी है दूसरी साइड और यहाँ से सोफा निकाल दिया है। यहाँ हम खाट लगाएंगे क्योंकि रात को सोने में प्रॉब्लम होती है, सारे नहीं आ पाते हम, तो यहाँ खाट लगा देंगे तो इजली सो पाएंगे। ये मेरा चिरकुट आ गया नीचे से, ये मेरा चुटकू सा बंदर, ये देखता रहता है बस कब मुझे ऊपर बुलाए और मौका देखते ही ऊपर भाग आता है गंजू। अब मम्मी यहाँ देखने लगी किसका क्या रखा हुआ है। और ये आ गई मेरी गुड़िया रानी। गुड आफ्टरनून लड्डू, मिला लड्डू। मैंने भी अपने सर्दियों के कपड़े निकाल के इसमें लगा लिए सारे। अब हम पहुंच गए हैं सफीदो HR 33 पार्लर में। यहाँ देखो बाल तो बेचारे के थोड़े से हैं और तीन तीन चिरगोजे लग रहे हैं इसके बाल सीधे करन। ये HR 33 सैलून है हमारे सफीदो का। ये है सफीदो मंडी और हम यहाँ सामान लेने के लिए आए हैं। सत्संग करवाएंगे हम तो उसके लिए यहाँ से सामान लेके जाएंगे। ये देखो कैसी लग रही है ये सीधे बाल करवा के। अब ये भैया सामान ले रहे हैं अंदर से।
किसी लाते। सारे काम निपटा के हम पहुंच गए हैं अब अपने गांव वापस सिल्लाखेड़ी, और ये गांव के अंदर से ट्रेन जाती है, ये ट्रेन जाएगी, इसके बाद हम अंदर जाएंगे गांव में। ये गांव के बाहर भी नहीं है, थोड़ा सा अंदर है हमारे यहाँ रेलवे ट्रैक। ये बच्चों के लिए दूध उबाल दिया, तुलसी डाल के, अदरक डाल के, और हमारी बन रही है सबकी चाय। आज तो मैं भी चाय पी लेती हूँ गाजर पाक के साथ। ये देखो ये पिताजी की चाय। मम्मी खाना खा रही है और मेरे छोटे से चिक्कू दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं देखते हैं। अभी दोनों चद्दर में छुपे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई, देखते हैं क्या कर रहे हैं। अरे ये फोन देख रहे हैं, ये फोन देखते हैं, देखो कैसे इतना बिजी हो रहा है फोन देखने में दोनों के दोनों। मैं भी चाय पी लेती हूँ आज तो। और ये मेरे दोनों छुटकू देखो क्या कर रहे हैं। ये हर्षविका का दिमाग बहुत चलता रहता है, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। बीच में रखी हुई है रस्सी और रस्सी घुमा के ऐसे इसने पत्ते लगाने शुरू कर दिए। अब पता नहीं इसको क्या क्या सोचता रहता है, सारा दिन क्या क्या करती रहती है कलाकारियां। और छुटकू भी लगा हुआ है, छोटा भी इसके साथ, देखगी मम्मा वीडियो बना रही है। अब ये भी करेगा कुछ, हाँ अब कमी रहेगी कुछ। हाँ वहाँ जगह थोड़ी बची हुई थी ना, वहाँ लगा दिया तो शून्य भी पत्ते। अरे तो बहुत प्यारा बनाया है दोनों ने। अब हो गई है शाम और शाम के खाने की तैयारी शुरू। ये मैंने सिवैया उबाल दी है, इधर दूध उबल गया है। ये बच्चों की डिमांड है कि मम्मा मैगी बना देना, तो बाहर की मैगी मैं इनको नहीं देती है। मैंने आटे की सिवैया उबाल के ये इधर ग्रेवी तैयार कर ली है, इस ग्रेवी को मैं उसमें मिक्स कर दूंगी और ये बन जाएगी इनकी मैगी। ये बन गई मैगी, कलरफुल मैगी, ये भी काफी टेस्टी लगती है। तो बाहर की मैगी बच्चों को मत दीजिए, यही खिलाइए, बहुत हेल्दी होती है ये। बाबू बाबू, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, माँ जी माँ, क्याश माँ बोलियो, माँ माँ, दीदी, मामा, पापा, दादा, हाँ जी। ये मांग रहा था इसकी हर्षविका की बुक, पर हर्षविका ने वो छुपा दी, अब उसको ही ढूंढ रहा है। ये देखो मैंने इसको पढ़ने के लिए बिठाया था और ये देखो सो रही है, तो ये तो सो रही है, मैं इसको उठाती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।